Hi friends, welcome to our YouTube channel. So myself Sudhir Jorobe and our channel name is Civil with Sudhir. So आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आपने सभी देखा है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट क्या क्या है, अभी वही सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आपको तीन सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज दूंगा कि कैसे सब्जेक्ट्स का क्वेश्चंस आए हैं 2018 में और 19 में कैसे आने का चांसेस है एक्सपेक्टेड वी कैन से। ओके, तो 17 में 16 में जो पैटर्न होता था वो पैटर्न अभी फॉलो नहीं हो रहा है, 18 में थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया है, वो पैटर्न भी मैं बता दूंगा। और सब्जेक्ट्स में क्या क्या इंडेप्थ सब्जेक्ट्स में टॉपिक वाइज क्या क्या आपको पढ़ना है वो भी मैं आप इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बोलता हूँ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सबको ये वीडियो मिल सके। ठीक है, फर्स्ट आपको समझना होगा कि सब्जेक्ट्स क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट्स हमारे पास इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, ठीक है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग, इतने सारे टोटल 12 सब्जेक्ट्स हमारे एसएससी जेई में। उससे पहले आपको पता रहना चाहिए कि एसएससी का जो पैटर्न है, ठीक है, हम तो एसएससी जेई अब 18 तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब एसएससी जेई 2019 के लिए हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, ऑन एन एवरेज आपके पास ऑलमोस्ट 6 मंथ्स टाइम है। You have 6 months time for the study. Very very important point. Okay, first ये important point है. Because आपके पास बहुत सारा time है, आप आराम से समझ के पढ़ सकते हैं, previous paper भी solve कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। Because इतना सारा time, आधा साल उन्होंने आपको दे दिया है preparation के लिए, कुछ कम time नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके बाद एसएससी जेई 2019 का एग्जाम कब होगा, वो होगा मार्च में, मार्च 2020 में होगा। उसको ऑलरेडी मैंने ये वीडियो बना के डाल दिया हूँ इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका ऑलरेडी लिंक है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो ये कुछ हो गया इम्पोर्टेंट एसएससी जेई 2019 के बारे में। ठीक है, तो 6 months या 5 months पकड़ के चलिए। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि एग्जाम पैटर्न क्या क्या है। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न मतलब तो जो आप एग्जाम आई थिंक सबको मालूम होगा, बिकॉज बहुत सारे जो ये वीडियो देख रहे हैं आपको ऑलरेडी क्या है एग्जाम पैटर्न मालूम होगा, फिर भी मैं एक बार आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये दो पार्ट में डिवाइड किए सो है। ठीक है, एक है टेक्निकल, ठीक है, एक है टेक्निकल, एक है नॉन टेक। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में आपको मालूम है 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स आएगा, इसमें भी 100 क्वेश्चंस आएंगे, इसको जब आप स्प्लिट अप करेंगे। ओके, नॉन टेक में फिर से दो सेक्शन है, एक है रीजनिंग सेक्शन, 50 मार्क्स, बहुत ही इजी रहेगा, उसका भी क्लासेस मैं स्टार्ट कर दूंगा धीरे धीरे से, जैसे ही ये टेक्निकल के क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो 50 मार्क्स है रीजनिंग और 50 मार्क्स है जीके। जीके में क्या क्या आएगा मैं फिर से अलग वीडियो बना के डालूंगा, बट इस वीडियो में ओनली हम टेक्निकल के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको कैसा स्टडी करना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम अब डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे 2019 के लिए। आज से आप स्टडी स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट आपको समझना होगा सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस। ठीक है, सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर पैटर्न हम देखिए तो, ठीक है, ये बिल्डिंग मटेरियल्स को जो है मिनिमम 20 मार्क्स का आएगा। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स आएगा आपका 20 मार्क्स का। तो बिल्डिंग मटेरियल्स में आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स में देखिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल बता दूंगा। बिल्डिंग मटेरियल्स में आपका है 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, एस्टिमेटिंग में एक 7 टू 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, सर्वेइंग में एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन, मिनिमम 10 मार्क्स। बट लास्ट ईयर जो है 2018 में क्या हुआ है, ओके, मैं फर्स्ट आपको सबका मार्क्स बता दूंगा। प्रीवियस ये मार्क जो है अप टू 2017 का है। ठीक है, अप टू 2017 प्रीवियस ईयर जो मैंने अभी फॉर क्या है रेफर किया है, सॉइल मैकेनिक्स 3 टू 4 क्वेश्चन, ओके 5 क्वेश्चन, हाइड्रोलिक मिनिमम 15 क्वेश्चन। ठीक है, 15 क्वेश्चन बोल दो 15 मार्क्स का आएगा आपके। ठीक है, तो इरिगेशन मिनिमम 3 क्वेश्चन आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन 5 क्वेश्चन, ठीक है 5 मार्क्स, एंड एनवायरमेंट ऑल्सो 4 टू 5 क्वेश्चन, एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर 1 और 2 क्वेश्चन। बट इट बार इस बार ज्यादा नहीं आया है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर 2018 में। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें आएंगे आपको मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी और बिल्डिंग मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा है इसका सिलेबस, आपको अभी से कवर कर
करना होगा। लास्ट में आपसे ये कवर नहीं होगा बिकॉज इसका सिलेबस ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आरसीसी, ठीक है। आरसीसी सब्जेक्ट में देखिए आपको मिनिमम आएंगे 15 क्वेश्चन, ओके 10 to 15 वेरिएशन होते रहता है कभी, ओके 17 में कुछ 15 क्वेश्चन दे दिया, 16 में क्या है 14 क्वेश्चन दे दिया, इट्स डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन पेपर सेटिंग, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे ऊपर एक लिखे सो हूं मैं स्किल डिजाइन, एक 4 to 5 क्वेश्चन आएंगे, तो ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। कुछ दूसरे टॉपिक से भी आएंगे, वो कहां से आएंगे हम नहीं बता सकते, बट बिल्कुल भी ये ऑन एंड एवरेज है, आप इसको मान के चलिए, ठीक है। और एक बार बोलता हूँ, बिल्डिंग मटेरियल्स 20 क्वेश्चन आएंगे, एस्टिमेटिंग आपको 7 से 10 मार्क तक आने का चांसेस है, और सर्वेइंग ये 10 क्वेश्चन आने का चांसेस है, बोले तो 10 मार्क्स, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स 5 क्वेश्चन, ये इंक्रीज भी हो सकता है 18 का पैटर्न जो है मैं आपको नेक्स्ट अभी बता दूंगा। हाइड्रोलिक्स 15 क्वेश्चन, इरिगेशन में 3 क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन में 5 क्वेश्चन और 5 मार्क, राइट। एनवायरमेंटल 5, एरिया स्ट्रक्चर 1 or 2 क्वेश्चन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी 10 क्वेश्चन मीन्स 10 मार्क्स, आपको पूरा पूरा पढ़ना होगा। और इन डेप्थ में बोलूंगा आपको सब्जेक्ट वाइज क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ अभी, देखिए तो मैं अब आपको सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखिए मैं आपको सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करूंगा फर्स्ट, आप देखिए सो बिल्डिंग मटेरियल्स में क्या क्या पढ़ना है, ओके। कमिंग टू द फर्स्ट वन, द बिल्डिंग मटेरियल्स, व्हाट यू हैव टू बी स्टडीड इन बिल्डिंग मटेरियल, फर्स्ट यू हैव टू स्टडी ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, व्हाट आर दे आर यूजिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए हम क्या क्या जो मटेरियल यूज करते हैं उसका पूरा आपको क्या क्या पढ़ना है, वो कैसे फॉर्मेशन होता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करते हैं, कितने टाइप्स है, मैन्युफैक्चर कहाँ से हो रहा है, मैन्युफैक्चर के कितने मेथड्स है और यूजर्स क्या है, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, तो SSC ने जो हमको सिलेबस दिया है उसको भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता दूंगा, एक मिनट देखिए। तो बिल्डिंग मटेरियल्स में देखिए आपको पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्लासिफिकेशन, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फर्स्ट देखिए सीमेंट के बारे में आपको पढ़ना होगा, सीमेंट के बारे में पढ़ना होगा, उसके बाद आपको स्टोन्स के बारे में पढ़ना होगा, उसके बाद आपको ब्रिक के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, उसके बाद आपको ब्रिक के बारे में पढ़ना होगा, उसके बाद आपको मिसेलेनियस जो आएंगे, ओके टिम्बर, टिम्बर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको पढ़ना होगा पेंट्स, पेंट्स वार्निश, ठीक है, पेंट वार्निश डिस्टेम्पर, ठीक है। और इस बार 2018 में एक क्वेश्चन जो है वो ग्लास के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आए थे, तो आपको ग्लास भी इंपॉर्टेंट है, दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट, डोंट नेग्लेक्ट दिस वन। ग्लास भी आया था, इसको छोड़ के मैं एक मिनट में इसका पूरा वीडियो देखता हूँ, ठीक है। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड टेस्ट, तो ये जो भी है ये जो टॉपिक है ना इसका क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना होगा, स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो भी पढ़ना होगा, और उसके बाद देखिए आपको यूजर्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मटेरियल्स, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मटेरियल्स, ये सीमेंट को कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, कितने टाइप्स है, ये सब मैं आपको अभी आज से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा आपका। फिर भी इतना टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बाकी के भी होंगे बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बिल्डिंग मटेरियल में इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट में देखिए सेकेंड वन जो है, सेकेंड वन हम देखेंगे, सेकेंड वन में है देखिए एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में आपको क्या सीखना, मैं ऐसे ही ओरल आपको बता दूंगा फर्स्ट आपको, ठीक है, तो लिख के ही बता दूंगा फिर आपको कंफ्यूज हो जाएगा। मेथड्स पढ़ना है आपको, मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग, ठीक है, मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग, मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग, ठीक है, ये बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, ये जो है ठीक है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के बारे में बोल रहा हूँ, क्या क्या आपको पढ़ना है, मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग और स्पेसिफिकेशन आपको पढ़ना है थोड़ा सा। तो स्पेसिफिकेशन क्या है, जो आपको स्पेसिफिकेशन दिया रहता है हर एक प्रोपोर्शन में 1:2:4, तो प्रोपोर्शन कैसे लेते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सब स्पेसिफिकेशन में आएगा, ओके। स्पेसिफिकेशन में और एक एग्जांपल बोलता हूँ, लीड कितना लेना चाहिए, लिफ्ट कितना लेना चाहिए, ठीक है। तो मटेरियल्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पर डे ब्रिकवर्क
ओके स्टोन वर्क तो कितना लेबर्स लगते हैं, ठीक है, ठीके? तो वो यहाँ पे आपको पढ़ना होगा स्पेसिफिकेशन में, ठीक है, तो मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग एंड स्पेसिफिकेशन, ठीक है, तो उसके बाद देखिए आपको पढ़ना होगा रेट एनालिसिस, ठीक है, रेट एनालिसिस। तो मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग में दो मेथड आपको मालूम ही है, सेंटर लाइन मेथड, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, इसमें स्पेसिफिकेशन रेट एनालिसिस, उसके बाद कैलकुलेशन पार्ट रहेगा, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन के पार्ट है, ठीक है, उसके बाद वैल्यूएशन आएगा, वैल्यूएशन, उसके बाद वैल्यूएशन, ओके, तो वैल्यूएशन क्या है सर, तो वैल्यूएशन में आपको डिप्रिसिएशन पढ़ना होगा, सिंकिंग फंड पढ़ना होगा, ठीक है, सिंकिंग फंड को कैलकुलेट कैसे करना है वो भी आपको पढ़ना होगा, तो वो वैल्यूएशन में आएगा। तो इसका ऑन एंड एवरेज एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का सब्जेक्ट का देखिए ऑन एंड एवरेज आपका क्वेश्चन आएंगे मिनिमम 7 to 8, ये इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है, मैं ऑन एंड एवरेज बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी सभी सब्जेक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, ये हो गया एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के बारे में। अभी नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए सर्वेइंग है, तो सर्वेइंग में आपको पढ़ना है इम्पोर्टेंट मैं बोल दूंगा, देखिए इम्पोर्टेंट जो है मैं बोल दूंगा, फर्स्ट आपको पढ़ना है सर्वेइंग के प्रिंसिपल्स, ओके, हम जो बोलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैं बोल दूंगा आपको क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में देखिए अच्छे से सुनिए, इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ना है सर्वे का डेफिनेशन पढ़ना है, ठीक है, प्रिंसिपल पढ़ना है, रेंजिंग का टाइप्स क्या है वो पढ़ना है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे पढ़ना है, टोपोग्राफिकल सर्वे, ज्योग्राफिकल सर्वे, प्लेन सर्वे, ओके, उसको कैसे कंसिडर करते हैं उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ना है सर्वे में, राइट। तो नेक्स्ट आपको पढ़ना है चेन सर्वे, सो चेन सर्वे में क्या पढ़ना है सर, तो चेन सर्वे में आपको मालूम है बहुत सारा एक्सेसरीज आते हैं, ओके, इसका जो चेन सर्वे कंडक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल चेन यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल टेप यूज करते हैं, चेन टेप एरोस रेंजिंग रॉड, ये जो सभी हम इंस्ट्रूमेंट एक्सेसरीज जो यूज करते हैं चेन सर्वे के लिए, उसका पूरा डिटेल आपको पढ़ना होगा, ओके, थ्योरी आपको पढ़ना होगा, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको बाद में बोल दूंगा, ओके, सो डिफरेंट टाइप ऑफ चेन है, उसका लिंक कितना है, उसका लेंथ कितना है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे चेन सर्वे में, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आएगा कंपास सर्वे, ठीक है, उसके बाद आएगा कंपास सर्वे, सो कंपास सर्वे में आपको पढ़ना क्या है, सो कंपास सर्वे में आपको पढ़ना क्या है, तो कंपास सर्वे में देखिए आपको पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पढ़ना है होल सर्कल बेरिंग सिस्टम एंड क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम, होल सर्कल बेरिंग सिस्टम एंड क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम आपको पढ़ना है, ठीक है, तो होल सर्कल बेरिंग सिस्टम क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम के ऊपर ही आपको क्वेश्चन आएंगे, राइट, फोर बेरिंग बैक बेरिंग, ठीक है, यही आएगा आपको फोर बेरिंग बैक बेरिंग, इंटीरियर एंगल कैलकुलेट कैसा करना, लोकल अट्रैक्शन, ये सभी इंपॉर्टेंट क्या है टॉपिक्स है हमारे कौन से ये कंपास सर्वे में, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए इसमें अभी इम्पोर्टेंट कंपास सर्वे में इम्पोर्टेंट क्या है, कंपास सर्वे ये दो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद लेवलिंग आ जाएगा, लेवलिंग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है, लेवलिंग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आना होगा, बिकॉज कुछ रीडिंग्स देख के आपको वो लोकल अट्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए कंपास सर्वे में भी देते हैं और यहाँ पे एंट्री करने के लिए भी बताते हैं, जो टेबुलर कॉलम रहेगा लेवल बुक जो हम बोलते हैं, ठीक है, लेवलिंग में वो आपको यहाँ पे देने का चांसेस रहेगा, तो आपको पूरा फंडामेंटल रिलेशंस, ठीक है, फंडामेंटल रिलेशंस आपको पढ़ना होगा लाइंस के बारे में, वो भी देते हैं फंडामेंटल रिलेशंस, ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना होगा देखिए ट्रिग्नोमेट्री सर्वे, उसके बाद आपको पढ़ना है टैकोमेट्रिक सर्वे, उसके बाद कर्व्स, उसके बाद थेडोलाइट, ठीक है, उसके बाद थेडोलाइट और उसके बाद आएगा प्लेन टेबल सर्वे, इसको छोड़ के भी कुछ टॉपिक्स है आप वो भी पढ़ सकते हैं, बट ये कुछ इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप भी लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट डायरेक्ट ले लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टैकोमेट्रिक कर्व्स थेडोलाइट प्लेन टेबल, तो
तो जैसे जैसे हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे वैसे वैसे मैं डिस्कस कर दूंगा, बिकॉज अभी सारे सब्जेक्ट्स को डिस्कस करना है, टाइम नहीं रहेगा, वीडियो का लेंथ ज्यादा बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया सर्वे के बारे में। अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक सब्जेक्ट। तो हाइड्रोलिक्स में आपको फर्स्ट पढ़ना है फ्लूइड प्रॉपर्टीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना होगा, फ्लूइड प्रॉपर्टीज ये पढ़ना होगा आपको। ठीक है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज पढ़ना होगा, उसके बाद काइनेमेटिक्स पढ़ना होगा आपको, काइनेमेटिक्स पढ़ना होगा। फ्लूइड प्रॉपर्टीज में सर क्या क्या पढ़ना है, पूरा जो भी है, ओके, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, उसके डेफिनेशन, उसके फॉर्मूला और यूनिट, इतना पढ़े तो बस है। और उसमें आपको फ्लूइड प्रॉपर्टीज भी देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स भी आएंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स आएंगे, तो वो भी आपको पढ़ना है फ्लूइड प्रॉपर्टीज में। काइनेमेटिक्स में भी आपको काइनेमेटिक्स में भी पढ़ना है, ओके। उसके बाद आपको देखिए पंप्स पढ़ना है, पंप्स, राइट, पंप्स पढ़ना है। उसके बाद आपको हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर से आपको देखिए टर्बाइन पढ़ना है, टर्बाइन पढ़ना है, ओके। तो पंप्स हाइड्रोस्टैटिक्स में और हमारे प्रेशर मेजरमेंट, ओके, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट वो भी पढ़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टर्बाइन्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने का चांसेस है, बिकॉज टाइप्स, क्लासिफिकेशन, कितना कितना कैसा है टर्बाइन्स, वो देखना है। हाइड्रोस्टैटिक भी वैसा ही है, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक में भी आपको पढ़ना है प्रेशर, बोल तो क्या क्या प्रेशर है, यूट्यूब मैनोमीटर वो प्रेशर मेजर करने के लिए जो करते हैं, ठीक है, थीके? तो क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए, उसके बारे में यहाँ पे आपको स्टडी करना होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक नहीं होगा, ये तो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है हाइड्रोलिक सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे राइट, तो हम है नेक्स्ट इरिगेशन। तो इरिगेशन से ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट अब डिटेल का जो पैटर्न है चेंज हुआ है, सभी सब्जेक्ट क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहे हैं, पाई एट बोल के। तो ऑलमोस्ट आपका जो 12 सब्जेक्ट है सब में 8-7 मार्क्स डिवाइड करके दे रहे हैं, तो आपको सब सब्जेक्ट पढ़ना होगा। तो इरिगेशन में देखो इम्पोर्टेंट मैं आपको बोलता हूँ, फर्स्ट आपको पढ़ना होगा टाइप्स ऑफ इरिगेशन राइट, उसके बाद वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द क्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद देखिए तो टाइप्स ऑफ इरिगेशन में बहुत सारे टाइप्स है, आप बुक निकाल के ओनली स्केचेस और कहां पे यूज करते हैं उतना ही पढ़ लीजिए, बस इसमें से क्वेश्चन कंपलसरी आए, राइट। वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द क्रॉप्स में देखिए ड्यूटी, डेल्टा, बेस पीरियड, क्रॉप पीरियड, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, ओके, इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। और इसमें हाइड्रोलॉजी भी आता है, हाइड्रोलॉजी में देखिए आपको क्या है, रेनफॉल के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, रेनफॉल के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, रेनफॉल, रेन गेजेस, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आने का चांसेस रहेगा, बिकॉज वो इरिगेशन में ही आता है, हाइड्रोलॉजी जो है इरिगेशन में ही आता है, तो पूछने का चांसेस है। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इरिगेशन एफिशिएंसी। अगर आप ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे तो बहुत सारा है, इरिगेशन 2 मार्क्स के लिए देते हैं, फिर भी बहुत सारा पढ़ना है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, या ये टॉपिक आप फॉलो कीजिए, बस आपको यह कवर हो जाएगा, या आप चुप थ्योरी पढ़े तो आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आप इतना भी पढ़े तो आपको सफिशियंट है, ठीक है। तो इरिगेशन एफिशिएंसी, रेनफॉल, उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स भी देंगे, ओके, 18 में एक प्रॉब्लम आया था एसएससी जेईई 2018 में, ड्यूटी और डेल्टा का एक प्रॉब्लम आया था, ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो
ये हो गया इरिगेशन के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में आपको पढ़ना है, देखिए फर्स्ट आपको पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन में आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, देखिए फर्स्ट आपको पढ़ना है व्हाट आर द डिफरेंट हाईवेज, ओके। उसमें रोड ही ज्यादा पूछता है, रेलवे और टनल वो ज्यादा नहीं पूछता है, और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग भी ज्यादा नहीं पूछता है ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में ओनली रोड का ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो रोड में आपको पढ़ना है फर्स्ट डिफरेंट जो प्लान्स थे, नागपुर प्लान्स, प्लान्स बोले तो आपको मालूम रहेगा, ठीक है। नागपुर रोड प्लान, बॉम्बे रोड प्लान, ठीक है, और लखनऊ रोड प्लान। नागपुर रोड प्लान, बॉम्बे रोड प्लान, लखनऊ रोड प्लान, इसके ऊपर कंपलसरी एक नहीं तो दो क्वेश्चन फिक्स, ठीक है। तो ये अच्छा पढ़ लीजिए फर्स्ट। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स अकॉर्डिंग टू प्लान, क्लासिफिकेशन क्या है वो भी पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद सर्वे, क्या क्या सर्वे आप कंडक्ट करते हैं रोड, जब आप रोड कंस्ट्रक्शन करना है तो कैसे करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपके आता है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रोड और एलिमेंट। तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज में देखिए आपको आएगा सुपर एलिवेशन, ठीक है, सेफ साइड डिस्टेंस, सेफ साइड डिस्टेंस और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है, और ये तीनों को डिजाइन कैसे करना, डिजाइन तीनों को डिजाइन कैसे करना है उसके जो फॉर्मूलाज है वो आपको पढ़ना होगा ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज में। और कर्व्स भी आएंगे यहाँ पे, कर्व्स, ठीक है, कर्व्स में फिर से दो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल के लिए कौन सा यूज करते हैं और वर्टिकल के लिए कौन सा बेस्ट कर्व है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो कौन सा ट्रांसपोर्टेशन में इसको छोड़ के मटीरियल्स, ओके, हाईवे मटीरियल्स, हाईवे मटीरियल्स, हाईवे मटीरियल्स, ओके, हाईवे मटीरियल्स और उसका टेस्टिंग, टेस्ट, टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इतना सारे इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़िए आपका पूरा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग खत्म। रेलवे आपको जितना मालूम है उतना आप कवर हो जाएगा, रेलवे सेपरेट से पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, एसएससी जेई के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रोड से ही ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। जितना आपके पास नॉलेज है रेलवे का उससे आप एग्जाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके ये भी आप लिख ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट को चलेंगे, हमारा है एनवायरमेंटल, ठीक है, एनवायरमेंटल सब्जेक्ट, एनवायरमेंटल ऐसे ही बोल दूंगा बिकॉज वो बहुत सारा है। एनवायरमेंटल में आपको पढ़ना होगा फर्स्ट पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कैसे करना है, उसका मेथड जो है उसको पढ़ना होगा, और ड्यूटी सॉरी आपको क्या है पाइप, मेन पाइप डिजाइन कैसे करते हैं, आवरली डिजाइन, ईयरली डिजाइन, वो क्या है, उसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स रहेंगे वो आपको पढ़ना होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स जो रहेंगे, ओके, पाइप का वो आपको पढ़ना है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपको वो सब पढ़ना है। उसके बाद देखिए वाटर को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, उसको हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, वाटर, वाटर ओनली अबाउट वाटर, ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और उसको हम पंप कैसे करते हैं, क्या क्या पंप्स यूज करते हैं, ओके। उसके बाद आएगा देखिए फिल्ट्रेशन, जो हम प्यूरिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, डिसइंफेक्शन, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद सीवेज में आपको, एनवायरमेंटल में सीवेज में आपको और थोड़ा पॉइंट्स आएंगे, बीओडी सीओडी उसका भी एक दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये बहुत है, आप पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, अगर आपको पढ़ना है तो भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में एक नहीं तो दो ही क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्या आएंगे देखिए, फ्रेम देगा एक आपको, ठीक है, एक ऐसा फ्रेम देंगे आपको, ठीक है, आपको कैलकुलेट करने होगा इनडिटरमिनेंसी और डिटरमिनेंसी, ठीक है, डिटरमिनेंसी और इनडिटरमिनेंसी इतना ही देंगे आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं देंगे, आप चुप कहीं से भी पढ़ लीजिए, एक दो क्वेश्चन आपके आराम से आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया थ्योरी ऑफ द स्ट्रक्चर। अब बाकी के सब्जेक्ट जो है यहीं पे मैं लिख देता हूँ, एक है सीटी कंक्रीट टेक्नोलॉजी और सेकंड है आरसीसी डिजाइन, आरसीसी डिजाइन, थर्ड है स्टील डिजाइन, स्टील डिजाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों सब्जेक्ट, ठीक है। तो सीटी जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, मिनिमम इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। सर सीटी में क्या क्या पढ़ना है, मैं ऐसे आपको ओरल बोल दूंगा,
देखिए सीटी में आपको पढ़ना है फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट, व्हाट आर द डिफरेंट मटेरियल्स जो कंक्रीट हम मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं, सीमेंट, सैंड, ठीक है, ऑलरेडी आप पढ़े हैं बिल्डिंग मटेरियल्स में, बट कॉम्बिनेशन में हमने नहीं पढ़ा है, उसको कॉम्बिनेशन करके हमको पढ़ना है, वो है कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में हमको पढ़ना है वो, ठीक है, पूरा उसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है, वर्कएबिलिटी पढ़ना है, वर्कएबिलिटी से मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वर्कएबिलिटी क्या है, उसका टेस्ट कैसे कंडक्ट करते हैं उसके ऊपर, क्यूरिंग क्या है, पूरा कॉन्क्रीट का जो मैन्युफैक्चर यूनिट है, बैचिंग कैसे करते हैं, मिक्सिंग कैसे करते हैं, ठीक है, एसीटी कितने टाइप्स है, ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं हाईलाइट बिल्डिंग के लिए और अदर सरफेस के लिए, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, उसके बाद आप प्लेसिंग कितना कर सकते हैं, कितना हाइट से कर सकते हैं, ये सब आपको पूरा कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में आएगा, ठीक है, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में, इसमें मिनिमम से 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स फिक्स है, ठीक है, इसको गलत नहीं करना है आपको। उसके बाद आरसीसी डिजाइन में देखिए यहीं पे आएंगे आपका 12 से 15 क्वेश्चन, इसमें पढ़ना क्या है, बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कोड बुक आपको रेफर करना है, कोड्स कौन से कोड्स, IS 456 2000 और IS 10262, ये है आपको डिजाइन करने के लिए और ये है डिजाइन मिक्स प्रोपोर्शन डिजाइन करने के लिए, ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर 2018 में आया था IS 10262 किसके लिए है, उससे क्या करते हैं, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं तो आपको पढ़ना होगा कोडल प्रोविजन, ठीक है, कोडल प्रोविजंस आपको पढ़ना होगा आरसीसी डिजाइन में, खत्म, बाकी का कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, कोडल प्रोविजन में वीडियो बना दूंगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। और लास्ट है देखिए स्टील डिजाइन, ठीक है, तो लास्ट है स्टील डिजाइन के बारे में हमको देखिए आपको पढ़ना है ओनली बोल्ट्स वेल्डिंग बोल्ट्स, राइट, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, ठीक है, उसके बाद गजेटेड बोल्ट और गजेटेड मेंबर, ठीक है, इतना पढ़ लीजिए बस, ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, स्टील में देखिए आपको पढ़ना है फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना है, स्टील में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद आपको पढ़ना है वेल्डिंग बोल्ट्स, ठीक है, कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर, उसके बाद गजेट प्लेट, उसके बाद गजेट प्लेट और बहुत सारे है, बट ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको सभी क्या है कोडल प्रोविजन, IS 800 का जो कोडल प्रोविजन है उसको याद रखना होगा, फॉर्मूला याद रखिए और कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, ठीक है, तो ये हो गया पूरा सारे 12 सब्जेक्ट जो है उसका ओवरव्यू हो गया, तो अब मैं आपको बोलूंगा 2018 में जो क्वेश्चंस आए थे उसको कैसे आए थे और किस सब्जेक्ट से कितना आए थे देखिए, ठीक है, 2018 में, ठीक है, एक मिनट, राइट, तो देखिए फ्रेंड्स 2018 में जो पैटर्न आया है उसके बारे में आप थोड़ा एक बार 2 मिनट्स में डिस्कस कर दूंगा। SSC JEE 2018 में देखिए सभी सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस दे दिया है, जो प्रीवियसली हमने अभी जो मैंने बोला है ओके, उससे थोड़ा अलग होके जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स को 20 क्वेश्चन अब नहीं, बिल्डिंग को 10 मार्क्स कर दिया है, बाकी के जो सब्जेक्ट्स है उसको भी उन्होंने इम्पोर्टेंस दे दिया है, तो इसका मीनिंग क्या है, सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना होगा, सुना क्या है आपने, सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना होगा विद इन डेप्थ डिटेल्स विद ऑल द इम्पोर्टेंट फॉर्मूलास एंड ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ओके, सब्जेक्ट्स कौन से भी रहने दो, या एनवायरमेंटल रहने दो या ट्रांसपोर्टेशन रहने दो, आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना होगा, और न्यूमेरिकल्स तो नॉर्मली 15-20 क्वेश्चन आएंगे आपको तो मालूम ही है, बट जो अभी है तो न्यूमेरिकल्स को रिड्यूस कर दिया है, बट थ्योरी को ज्यादा उन्होंने दे दिया है, बट आपको अच्छा मौका है, पूरा आपके पास 5 मंथ्स का टाइम है, अभी 5 मंथ्स यू हैव, 5 मंथ्स, व्हाट अ वंडरफुल टाइम यू हैव, ओके, यू कैन यूटिलाइज इट,
ओके 5 मंथ्स टाइम बोले तो आपके पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 to 5 की से कितना डेज है आपके पास 150 डेज के ऊपर है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं डेली एक टॉपिक को पकड़िए उसको कंप्लीट कर दीजिए ठीक है डेली पढ़िए और पॉजिटिव रहिए भी मोटिवेटेड रहिए पॉजिटिव रहिए तो आराम से हो जाएगा। तो 18 का जो क्वेश्चन पेपर है थोड़ा अलग से आया था सभी टॉपिक्स को उन्होंने सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया था तो आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा तो हेल्पफुल है तो प्लीज इस वीडियो को क्या है मैं एक 300 या 400 का लाइक्स का टारगेट रखता हूँ और उसको लाइक कीजिए और सभी सभी ग्रुप्स और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके थैंक यू टू माय सेल्फ सुधीर एंड आवर चैनल विद सिविल सुधीर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट टू मैक्सिमम पीपल्स थैंक यू एंड ऑल।